आज की इस वीडियो में हम मिक्सर ग्राइंडर का रिव्यू करने वाले हैं और इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये इसके कप हैं जो कि हमें इसमें 3 वेरिएंट मिल जाते हैं और इसके साथ ये इसकी कैप्स हैं। अब हम इसका ग्राइंडर देख लेते हैं एक बार। और जो इसका ग्राइंडर है बहुत ही लो पावर यूजेस, मतलब कि 500 वाट का है और इसमें जो पावर कंजप्शन है बहुत ही कम है और यूज करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो इसके फूट है वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं, अगर आप नीचे रखोगे तो ये ऊपर को नहीं उठता है, हिलेगा नहीं। और इसके बाद जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और जो इसके कप्स हैं वो स्टील बॉडी में मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, हार्डन्ड हैं और जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। अब हमें देख लेते हैं कि इस कप को यहाँ पे कैसे फिट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे दो स्लॉट बने हुए हैं और इसमें दो स्लॉट हैं, आपको यहाँ पे प्रेस करना है और इसके बाद रोटेट कर देना है, तो इससे क्या होगा ये फिट हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद आपको इसको इसके ऊपर से स्लोली प्रेस करना है तो ये लग जाएगा। अब इसको आप यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें दिखाऊंगा कि आपको कैसे ग्राइंडिंग करनी है। धनिया ले लेता हूँ ग्राइंडिंग के लिए, ये मैंने इसमें धनिया ले लिया है। अब इसके बाद इसको आपको फिर से क्लोज कर देना है और इससे पहले आपको इसके मैनुअल को अच्छे से रीड कर लेना है। इसके बाद आपको प्लग डाल देना है और उसके बाद यहाँ से ऑन कर देना है। इससे पहले आपको ग्राइंडर को ऑफ रखना है, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो आपको इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है और इसके बाद आपको इसके बाद आपको ऑफ करके एक बार चेक कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि धनिया ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसको खोल लेता हूं, ये मैं ग्राइंड करके लेके आ गया हूं, तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं और हम देख लेते हैं कि ग्राइंडिंग कैसे हुई है। ये आप देख सकते हैं कि धनिया ग्राइंड हो चुका है, अब आप इसको यूज कर सकते हो इजीली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।